हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडियो में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एक और बार स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी यहां पर जो रिलीज की गई हैं, आप सभी लोग यहां पर हेडिंग पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है, कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। कहने वाली बात यह है, जबलपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। कोविड-19 के तहत अस्थायी नियुक्ति आपको यहाँ पे दी जाएगी और 23 जुलाई 2020 को हाल ही में ये जो जानकारी है ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है। किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे क्या रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे शामिल की गई है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और एज क्राइटेरिया आपके लिए क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन के तौर पर योग्यता आपसे क्या क्या यहाँ पे मांगा जा रहा है, सैलरी पैकेज, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर करेंगे और अप्लाई करने के लिए जितने इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं सारे निर्देश मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताने वाला हूँ। इतनी सारी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना है, दिल से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से यहाँ पे जरूर मिलेगी। लाइक जरूर करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितनी भी सरकारी भर्ती आ रही है हमारा यूट्यूब चैनल सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कवर कर रहा है। कोई भी जानकारी जो आगे आने वाली है आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए अभी क्या करना होगा, हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहे। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और यहाँ पे देखिए जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है। सबसे पहले आप सब लोग ये जान लें, कोविड-19 महामारी के तहत कोविड वार्ड में आपको जो है मानव संसाधन की यहाँ पे आवश्यकता पड़ रही है और इसके लिए देखिए अस्थायी पदों की पूर्ति के लिए आवेदन यहाँ पे आमंत्रित किए जा रहे हैं। और देखिए आवेदन जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है 30 जुलाई 2020 तक संस्था की जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दी जा रही है यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल कर देना है। और देखिए इसके लिए जो है इंटरव्यू होगा 5 अगस्त 2020 को और 9 बजे से ये इंटरव्यू आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा। देखिए ये जो इंटरव्यू है वीडियो कॉलिंग के थ्रू हो सकता है, मेरिट के आधार पर हो सकता है या फिर देखिए दोनों प्रक्रिया के माध्यम से भी हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी टेबल आपको यहाँ पर दी जा रही है तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख लें। देखिए पोस्ट का नाम जो है मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर रहने वाला है। कुल मिलाकर 30 पोस्ट यहाँ पर शामिल कर ली गई हैं और यहाँ पर देखिए मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई हैं जबलपुर मेडिकल कॉलेज द्वारा। ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है, 30 पोस्ट के लिए पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। और देखिए योग्यता के तौर पर आपसे क्या क्या मांगा जा रहा है ये जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और पदों की संख्या यहाँ पे 30 रहने वाली है। पोस्ट का नाम देखिए मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे रहने वाला है। योग्यता के तौर पे देखिए शैक्षणिक योग्यता जो है MBBS मात्र जो है MBBS पास होना आपका यहाँ पर जरूरी है। और जो भी देखिए पर मंथ बेसिस पे यहाँ पे आपका जो सैलरी पैकेज रहता है एज़ पर NHM के अंतर्गत यहाँ पे रहेगा। जो भी NHM द्वारा मानदेय रहता है जो भी है सैलरी पैकेज NHM के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी है। अब देखिए यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, पदों की संख्या यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पर घटाई जा सकती है और जो नियुक्ति है NHM के अंतर्गत महामारी को बचाव के लिए की जा रही है जो भी रोकथाम है। और यहाँ पर इसके लिए आपको यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर निकाल दी गई हैं। अवधि देखिए कुल 3 मंथ के लिए यहाँ पे रहेगी। अस्थायी बेसिस पे जो है आपको 3 मंथ्स के लिए ज्वाइनिंग मिलेगी। और आवेदन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है ईमेल आईडी पे आप लोगों को यहाँ पे भेज देना है। और देखिए आप लोगों को अनिवार्य रूप से यहाँ पे ईमेल आईडी के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेज देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है और संस्था की ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पे मिल गई है। और देखिए चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अलाउंस आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पे यहाँ पे जाना होगा। जो भी सैलरी पैकेज है NHM के रूल्स के मुताबिक आपको मिलेगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ चुकी है, इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जिस उम्मीदवार से न्यूनतम देखिए निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए देखिए 21 वर्ष, यहाँ पर जो है आपका जो एज क्राइटेरिया 21 वर्ष से यहाँ पर कम ना हो। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। एज क्राइटेरिया देखिए 21 वर्ष वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, इससे ज़्यादा जितने भी हैं आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए नीचे की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ये बेसिक डिटेल्स है आप लोगों को यहाँ पे सेंड कर देनी है ईमेल आईडी पे। और देखिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दी जा रही है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे मेल कर देना है। तो जल्द से जल्द आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको ईमेल आईडी बताई है आप लोग शुरुआत में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे आप लोग अपनी ईमेल आईडी पे इन्फॉर्मेशन भेज दें। तो ये ईमेल आईडी है, एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स इस पर मेल कर दें। 30 जुलाई 2020 तक का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और इंटरव्यू में शामिल हो जाए। 5 अगस्त 2020 को इंटरव्यू होगा और सुबह 9 बजे से आप लोगों का ये इंटरव्यू यहाँ पे शुरू हो जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए ये पूरा भर्ती विज्ञापन यहाँ पे जारी हुआ है।
30 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, MBBS डिग्री है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले। अगर लगता है कुछ ना कुछ जानकारी आपको इस वीडियो से यहाँ पे मिली है तो लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे शेयर कर देना है, सभी लोगों को बता दें। वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, और आप लोगों को यहाँ पे आवेदन जरूर करना है। सभी लोगों को ये जानकारी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह, कोई भी सवाल वगैरह है आप सभी लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे आइए, सब्सक्राइब का रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहे। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।